शिवाजी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। जैसा कि भारत देश के अंदर बीजेपी की जो सरकार है, तो ये बीजेपी सरकार के एमएलए एमपी जो है हर बार मुसलमानों को ही टारगेट बनाते आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो पिछले दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी करे थे रामगिरी महाराज, इनके खिलाफ में पूरे भारत देश में सारे मुसलमानों ने एक गुट होकर इनके खिलाफ में जो प्रोटेस्ट किया था, तो इनकी गिरफ्तारी हो और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। तो इसी सिलसिले में का लाने की बात हम कर रहे हैं कि जहाँ भी मस्जिद है तो सारे मस्जिदों में जो है सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम करो और एहतियात बरतो कि कोई भी अनजान आदमी जो है मस्जिदों में आने ना पाए। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में एएमआईएम के यूथ लीडर जुबेर दप्पेदार मौजूद है, हमारे स्टूडियो में इस्तेमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो क्या है यूटीवी न्यूज ये माध्यम वालों का और हमारे सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इनके माध्यम से आपको मुझे बुला को क्या है उनके बात पे बात करने का मुझे मौका दे। तो सबसे पहला तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरीके से ओपन सभा में जो स्टेटमेंट दे रहे तो इनके बारे में आपको क्या कहना है? इनको कैसा है ये जो हिंदुस्तान में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, पहली बात इनको संविधान का इनको डर नहीं है और इनको कानून का खौफ नहीं है। इन्होंने खुलेआम पब्लिक मीटिंग रख दिया इनके बीजेपी वाले के और जो इनके प्रेस मीट रख दिया। सबसे पहला अगर इन्होंने इलेक्शन जीतते हैं तो कब इन्होंने मुसलमान को गालियां देना और हमारे मस्जिदों के ऊपर क्या है हेड स्पीच करना। और ऐसे भी हिंदुस्तान में कुछ लोग मौजूद हैं जो हमारे मस्जिदों को अटैक भी करते हैं सियासत को चमकाने के वास्ते। ऐसे जो लोग हैं मैं इनको तुम्हारे माध्यम से मैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों को मैं एक खास विनंती करना चाह रहा हूँ। ऐसे जो छपरासी लीडर हैं जो एक कौम को टारगेट करके अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, इनको मैं ये ओपनली बोलना चाह रहा हूँ, इनको जल्द से जल्द कानून हिरासत में लेना और इनको जितना हमें कानून की इज्जत करते हैं जितना हमें संविधान की इज्जत करते हैं उतना ये लोग नहीं करते। संविधान को कान देकर सुना तोड़ लेते जा रहे हैं। एक तुम्हें गौर करो, एक मुफ्ती सलमान अजहरी इन्होंने एक शेर बोले थे, शेर बोलने के बाद क्या है इनको एक दो या ढाई घंटे में सीधा पुलिस प्रशासन आपको क्या है इनको अरेस्ट करी थी, इनके पास आपको इनको अरेस्ट किया था। ये रामगिरी महाराज बोल को एक लगभग एक तीन चार हफ्ते हुआ, बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से एफआईआर भी दर्ज हुए, दर्ज होने के बाद भी इनको अभी तक इनको हिरासत में नहीं लेते। संविधान जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग इनको हमें बोल रहे हैं जब तक हमें जिंदा है हमारा संविधान जिंदा है हमें संविधान को मानते रहेंगे, हमारी आखिरी सांस तक भी क्या है हमें संविधान के अंदर रोको संविधान के दायरे में रोको हमें हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इन्हों बोलते हैं जो भी रामगिरी महाराज के खिलाफ आवाज उठेगा या आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो मस्जिदों में घुस को चुन चुन को मारतूं करके इन्हों बोले महाराज करा। इनको जरा तो इनको डर कानून का जरा तो खौफ इनको है या नहीं मुझे अभी तक समझा नहीं। आपका कहना यह है कि सिर्फ भारत देश का संविधान मुसलमानों के हद तक की है क्या? तो ये लोगों को संविधान लागू नहीं होता? मैं भी वो पूछना चाह रहा हूँ नहीं, जितना हमारे मुसलमान जो ये संविधान की इज्जत करते हैं वो तो ये लोग कहीं को नहीं कर रहे,
संविधान के हमारे वास्ते एक ही है, संविधान इनके वास्ते नहीं है। इन्हों बोला तो राइट है, हमने बोला तो रॉन्ग है। तुम्हारी मांग है कि उनके ऊपर भी केस दर्ज होना। उनके ऊपर केस करो भाई, अगर वो सलमान अजहरी के ऊपर कोई केस होता उनको 2 घंटे में अरेस्ट किया जाता। रामगिरी स्वामी है, इन्हें तो मेरे हुजूर के शान में गुस्ताखी करे, इसे कहीं अरेस्ट कर रहे हैं। क्या खाली हमारे मुसलमानों को हताश है? संविधान इनको नहीं है, इनका कैसा है? एक कौम को गालियां दे नो कोई एमएलए बन जाता है, एक मुसलमान कौम को अनाप और शनाप वर्ड यूज करके गाली गलौज करके क्या उन्हें एमएलए बन जाता, इनकी सियासत चमक जाती। और दूसरी बात क्या है, मेरे हुजूर के शान में अगर इन्हों गुस्ताखी करे तो इनको शायद वो बीजेपी वाले का ये एजेंडा रहेगा, इन्हों हुजूर को वो गालियां दियो इनके, हमें क्या है तुमने मिनिस्टर का पोस्ट दे दूंगे। और जो मुसलमान को जुलुम और सितम करने वाले भी जो हिंदुस्तान में ये जो लोग हैं कानून को तोड़ को क्या है इन्हों हिंदुस्तान में जुलुम और सितम करते हैं, इन्हों जेल जेल को जाते हैं भी चंद लोग, जा को आने के बाद क्या है इनको बीजेपी के जो लीडर्स हैं इनको मिठाई खिलाते हैं लोग। ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, आप सबको मालूम भी है। एक महाराष्ट्र में चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव नजदीक है इसलिए क्या है इन्हों अपनी सियासत चमकाने के वास्ते जो है अपनी सियासत चमकाना, अपनी गवर्नमेंट को बताना सर को क्या है इनका एक मुसलमानों को खिलाफ बोल को क्या है हिंदू और हमारे मुसलमान भाया में, हिंदू भाया में और मेरे मुसलमान भाया में, हिंदू भाया में आपस में झगड़ा लगाना, झगड़ा लगा को मेरी सरकार बताना कर को इनको है। तुम्हारे अपने मकसद में कामयाब नहीं होते? ए इनको कामयाबी मिलती है इसमें कि बोले तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित हमें क्या है ये 5 लोग जो है ये एक हाथ के 5 बोटा है, 5 बोटा क्या है हमेशा क्या है 5 बोटा साथ है हमें, वो बोलते हैं ना 5 बोटा अगर साथ में रहे तो निवाल हलक तक जाता नहीं तो नहीं जा पाता वो, वैसा क्या है हमें 5ों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और मेरे दलित भाई हमें सब क्या है एक है और हमें एक रथें इन्हों हमना आपस में लड़ा को क्या है इनकी सरकार बताने की जो इन्हों कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश है इन्हों नहीं करना। और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे जो लोग हैं इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होना और इनको हिरासत में लेना, और ऐसे जो नापाक सोच रखने वाले जो लीडर्स है मैं इनको बोलना चाह रहा हूँ अपनी सियासत चमकाने के वास्ते क्या है इन्हों जात धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं इन्हों बंद करना। जितना मुसलमान संविधान को मानता तथा हिंदू भी मानता ये लोग कहीं को मेरे संविधान को नहीं मानते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मुझे वो होना कानून जितना सलमान अजहरी को है वो रामगिरी को भी है, उनको सलमान अजहरी को अरेस्ट कर सकते हैं तो वो रामगिरी को कहीं को नहीं अरेस्ट करे, रामगिरी को भी हिरासत में लेना। मैं बीजापुर में आवाज उठाया था मेरे पार्टी के जानिब से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के जानिब से डीसी साहब को एक पत्र हमें दिए थे क्या बोल को जल्द से जल्द रामगिरी स्वामी को अरेस्ट करना जो मेरे हुजूर के शान में गुस्ताखी करे, हमें आवाज उठाए थे। तो वो एक जो महाराष्ट्र का MLA है इन्हें क्या बोला रामगिरी स्वामी के खिलाफ जो भी आवाज उठेगा तो इनके मस्जिदों में घुस को इनको मैं चुन चुन को मारतूं करके इन्हों खुलेआम पब्लिक के अंदर बोल रहे हैं तो इनको संविधान का थोड़ा तो डर और खौफ है क्या नहीं, कानून का इनको थोड़ा तो डर और खौफ है क्या नहीं? हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान देखो गए हमें संविधान के दायरे में रोको हमें लड़ाई लड़ रहे बोले तो हमारी लड़ाई लड़ने का हमारा हक है। ये जो महाराष्ट्र का MLA है इन्हों बोल रहे हैं इन्हों क्या बोलते हैं मस्जिद में घुस को मार तुम करो बोल रहे हैं। ये सारे बीजेपी के जो MLA MPs की मुसलमानों के खिलाफ आए दिन जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आ रहा तो ये स्टेटमेंट आने की वजह क्या है, क्या हमारे भारत देश का जो मुसलमान है वो एक गुट नहीं है? आज भारत देश के मुसलमानों को एक होने की जरूरत है कि बोले तो
बहत्तर फिरकों में क्या है हमें बटको गए, बहत्तर फिरकों में हमें बटको गए, 33 करोड़ देवताओं की बात ही तो एक होता है, एक हो जाता है ना, हमारा एक अल्लाह होने पर भी हमें एक नहीं हो रहे, तो जब तक हमें एक नहीं होते नहीं तब तक क्या है ऐसे बहुत से क्या है बलाएं हमारे तक आते रहे। तो आपका कहना है कि भारत देश का जो मुसलमान है हाँ। तो अलग अलग फिरकों में बटा हुआ है, जैसा कि आप अहले हदीस सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले तबलीग, बरेलवी, हनफी, शाफी, सिया मुस्लिम, हमें सब एक होना। जब तक हमें एक नहीं होते नहीं तब तक क्या है ऐसे मुसीबत, ऐसे जो अनाप शनाप बकने वाले जो लोग हैं हमारे ऊपर खास टारगेट करे तो हमारे हुजूर के शान में गुस्तागी करने वाले ऐसे बहुत से कीड़े जो है हिंदुस्तान में पैदा हो जाते हैं, हमें चेक नहीं। तो जब तक हमें एक नहीं होते तब तक ऐसे उनको तो साफ साफ मालूम है इनका अलग है, इनका अलग है कि बोले तो इनको साफ साफ मालूम है बात कर फिर में मुसलमान बढ़ गए घर को, हमें एक जब तक नहीं होते इन्हो 33 करोड़ देवताओं का मानने वाले, 33 करोड़ देवताओं को मानने वाले एक हो सकते हैं, तो हमें एक अल्लाह को मानने वाले हमें क्यों नहीं एक हो सकते, हमें एक होना हमारा बहुत जरूरी है, हमें मुत्तहिद होना जरूरी है। तो आपकी मांग है कि जिस तरीके से आए दिन मुसलमानों पे स्टेटमेंट आ रहा तो सुमोटो के जरिए से उन लोगों पर अगर कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों में ऐसे बयान सामने नहीं आते। देखो मेरा तो एक कहना है ऐसे जो अनाप और शनाप बकने वाले और राज कौम को बीच में ले को कौन से भी एक मजहब को टारगेट करके जो सियासत करने वाले जो लीडर्स हैं ऐसे लीडरों को जब तक इनके ऊपर सोमोटो केस नहीं होता और इनको हिरासत में ले को इनको उम्र कैद की या फांसी की इनको सजा जब तक हिंदुस्तान में सुनाते नहीं तब तक क्या है ये लोगों की जबान क्या है बंद होने वाली नहीं है। एक बात बोलो, इस भारत देश में हमने ऑप्शन मिला था कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो या पाकिस्तान में जाते हो, तो हमें ये जगह ये जमीन के कुछ लो क्या हमारे बाप दादा के कब्रा है नहीं कब्रा नहीं क्या बिल्कुल ये हिंदुस्तान छोड़ कर हमारा पाकिस्तान जाओ करके जब सवाल उठा था मैं बाय चांस नहीं बाय चॉइस हमें आए चॉइस करें हमें ये जमीन को हमें चॉइस करें हाँ। ये जमीन नहीं वो निकाल को क्या है ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदुस्तान हमारे बाप की जमीन है भारत देश किसके बाप का नहीं है जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। मुझे मेरा संविधान इजाजत देता है कि मैं मेरे धर्म को खुलेआम मान सकता हूँ और मेरा कुरान भी बताता है कि मैं जिस देश में रहता हूँ सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। हमें मुसलमान कर रहे हैं तुम्हें क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लास्ट में चुना क्या बोलते हैं समझे भारत देश है भारत देश किसके बाप की जागीर में है ये हमारा है उतना हिंदुओं का है उतना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का भी है उतना सिख का है उतना ईसाई का है। ये भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म को मान सकता हूँ खुलेआम मान सकता हूँ। तो ये लोग हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं और इनको मैं कहना चाह रहा हूँ ये हिंदुस्तान जो है किसके बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है वत्ता मुसलमानों का है और जितना मुसलमानों का है वत्ता हिंदुओं का भी है हिंदुस्तान है। ये किसके भी बाप का देश नहीं है और जितना मुसलमान का है ये हिंदुस्तान है वत्ता सिख का भी है वत्ता ईसाई का भी है। ये मुझे भारत देश का संविधान इजाजत देता मैं खुले आम बोल सकता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। ये हिंदुस्तान किसके भी बात की जागीर नहीं है मैं खुले आम बोल सकता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे कौम में ऐसे भी शेर पैदा हुए जो शेर का जबड़ा फाड़ने की जो है ताकत रखते हैं। मैं
मैं भी एक ये कौम का बच्चा हूँ। जब मेरे मस्जिदों में अगर कोई वार करने के लिए या मस्जिदों में कोई बवाल करने के लिए फोन भी अगर रहेगा, तो मैं भी क्या है अपने लोगों की हिफाजत करने के वास्ते क्या मैं भी एक तैयार हूँ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।